चर्चा को लेकर हम आगे चले, क्योंकि आप भी उतने ही चिंतित हैं, हम भी उतने ही चिंतित हैं। बिल्कुल, ये चिंता सबको होना चाहिए, जनता को भी हम ये गुजारिश करेंगे। चिंता सबको है, लेकिन सिर्फ मेरा आपसे निवेदन है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जनता को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। हम सब अपना अपना कर्तव्य निभाएं, इतना ही बहुत है। ठीक बात है, चलिए तो बहुत शुक्रिया आपका ब्रजेश जी, दिव्या जी और राजेश जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के देखिए, सरकार आपको एक मौका दे रही है कि अगर अभी आप समझ जाते हैं, सुधर जाते हैं, वक्त है, सतर्क हो जाते हैं, सजग हो जाते हैं, तो फिर ये नौबत नहीं आएगी कि आप अपने घर में बैठे हैं, उद्योग धंधे प्रभावित हो रहे हैं, नौकरियां जा रही, ये नौबत नहीं आएगी। लेकिन अगर नहीं होता है ऐसा, तो फिर सरकार को मजबूरन उस दिशा में जाना पड़ेगा। दूसरे राज्यों में ऐसा होना शुरू हो गया है कि आप चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में ऐसा हो, अगर नहीं तो फिर आपको खुद से समझना होगा कि कोरोना गंभीर बीमारी है, कोरोना कहीं नहीं गया है। इसलिए सावधानी बरतिए, सतर्क रहिए, और जो केस बढ़ रहे हैं इनमें आप इजाफा करने की मदद मत कीजिए, बल्कि इनको रोकने की कोशिश कीजिए। फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही, आप देखते रहिए डीएनए न्यूज़। नमस्कार।